Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you all must be doing good wherever you are. आज बात करते हैं how to prepare for science olympiads. साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, चाहे आपके बच्चे क्लास फर्स्ट में हो या क्लास टेंथ में हो. ये क्लास फर्स्ट टू टेंथ तक के बच्चों के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट वीडियो है, बिकॉज इसमें वो पांच स्ट्रैटेजीज के बारे में मैं बात करूँगी जिनका यूज़ करके आप अपने बच्चों को अच्छे से प्रिपेयर करा सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स, रिमार्केबल रिजल्ट्स आ सकते हैं. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन हिट कर लें, सो दैट फ्यूचर में जितने भी ऐसे ही रिलेटेबल वीडियोस आते रहेंगे वो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे और उनका नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करोगे, आपको नोटिफाई कर देता है YouTube पहले ही. इफ़ यू आर विजिटिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी टेल यू, आई एम सुषमा. हियर आई अपलोड कंटेंट रिगार्डिंग पेरेंटिंग एंड मदरहुड्स. मेरी जितनी भी मदरहुड जर्नी की एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, जिसे मैंने लर्न किया है, वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करती हूँ. कैसे, बिकॉज आई हैव टू किड्स, कैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें डील की और उन सबसे क्या सीखा, वो सब कुछ यहाँ आप सबसे शेयर करती हूँ. अपने होम स्कूलिंग एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. जितने भी कॉम्पिटिशन्स में मेरे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो शो एंड टेल कॉम्पिटिशन हो या फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हो, उन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल वीडियो आप सबसे शेयर करती हूँ. बहुत सारे व्लॉग्स एंड ट्रैवल व्लॉग्स आते रहते हैं, सो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कैन एन्जॉय लॉट ऑफ वीडियोज़ और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोज़ रहते हैं. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन कैसे करनी है. सो आज हम बात करेंगे वो पांच टिप्स के बारे में, ये पांच स्ट्रैटेजीज कौन सी होने वाली हैं. सबसे पहला है नो द सिलेबस. अगर आप किसी वॉर पे जा रहे हैं तो एज अ सोल्जर आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल की वॉर होने वाली है और कौन कौन सी प्रिपरेशन आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी. ओलंपियाड्स के बारे में टीचर्स कहते हैं कि ओलंपियाड्स बच्चों को एक ऐसे लेवल के लिए प्रिपेयर करते हैं जो लॉन्ग रन में भी यूज़फुल होता है. ऐसा नहीं है कि बस एक ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट कर लिया, कुछ मेडल्स आ गए जोनल या नेशनल लेवल पे एंड देन यू आर डन. नो, दे आर गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर लाइफ टाइम. जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, एज अ पेरेंट अगर मैं लॉन्ग रन में देखूँ तो नीट, जेई, मेडिकल प्रेप या फिर बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत सारे बच्चे बाहर जाते हैं अपने अंडर ग्रेड्स के लिए, सैट में अपेयर होते हैं, तो इन सब की जो प्रिपरेशन होती है, एक ओवरऑल्ड परसोना आप डेवलप करना चाहते हो अपने बच्चे का, वो ओलंपियाड से ही आपको अचीव हो सकता है, बिकॉज ये ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करता है. जब आप किसी चीज़ में लगे रहते हो, उनका डेडिकेशन, उनका पेशेंस लेवल, ये सारा कुछ डेवलप होता है. ऑल्सो उनकी इन डेप्थ नॉलेज भी बढ़ रही होती है. तो अगर बच्चों की इन डेप्थ नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट में रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेल करेंगे, चाहे वो स्कूल के एग्जाम्स हो, स्कूल टेस्ट पे उनके बहुत अच्छे आएंगे, और इन लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो बहुत ही एक्सेलेंट करेंगे. अगर हायर ग्रेड्स के बच्चे जो अपेयर कर रहे हैं ओलंपियाड्स के लिए, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ. सो जब आप सिलेबस की बात करते हो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज यू शुड नो हाउ यू शुड प्रिपेयर. तो जब आप इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की वेबसाइट पे जाते हो, ये एक बहुत ही लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का जो कि ओलंपियाड्स ऑर्गेनाइज कराते हैं. ये ऑर्गेनाइज कराते हैं इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड. इनकी वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो इनकी वेबसाइट बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन की गई है. बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस बने हैं. एक सेक्शन है ओलंपियाड करके, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ओलंपियाड्स के बारे में बना है. सबसे टॉप पे आता है साइंस ओलंपियाड. जब आप वहाँ पे क्लिक करके ओपन करते हो तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखता है. जब आप इस पेज के ऊपर जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, क्लास 1 to 10 के डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं. हर एक कैटेगरीज, आपका बच्चा जिस भी क्लास में, उस कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सिलेबस दिख जाएगा. एग्जांपल, क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट लर्न करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, गुड हैबिट्स, अर्थ, स्काई एट्सेट्रा के बारे में. सो स्लोली एंड स्टेडली सिलेबस मूव्स टू नेक्स्ट लेवल फॉर हायर क्लासेस एंड टीचर ऑलवेज बिलीव दिस स्ट्रांगली दैट किड्स डेवलप ए गुड कमांड ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, दस परफॉर्म बेटर देन अदर्स इन स्कूल एग्जाम्स ऑल्सो. ये जितने भी चीज़ें हैं इन सब की, इस वेबसाइट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर सिलेबस की डिटेल्स ले सकते हैं बहुत ईज. दूसरी बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल्स. तो जब आपके पास सिलेबस हैंडी है बट आपके लिए एक अच्छा स्टडी मटेरियल, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जब आप हम स्टडी मटेरियल लेने जाते हैं मार्केट में तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप ढूंढते हो ऑनलाइन, बिकॉज आजकल बहुत इजी हो गई, फटाफट अमेज़ॉन खोल दिया, फ्लिपकार्ट खोल दिया और वहाँ से ऑर्डर कर लिया. दूसरी चीज़ क्या आती है, अगर हम स्मॉल टाउन्स में हैं या हमारे कोई नोन बुक शॉप्स
स्टोर्स हैं, स्टेशनरी स्टोर्स हैं, तो हम उनको अप्रोच करते हैं कि क्या ओलंपियाड के रिलेटेड कुछ बुक्स हैं क्या, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स हैं क्या, ऐसा करके अप्रोच करते हैं। लेकिन कभी भी अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ हो तो वो आपको बेटर रिजल्ट्स देती है। इसके लिए भी इंडियन टैलेंट ओलंपियाड्स के पास बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है, बिकॉज इनके पास एकेडमिक एक्सपर्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जैसे क्लास फर्स्ट टू टेंथ के हर एक क्लास के लिए डिफरेंट एकेडमिक एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपके बच्चे को हेल्प करते हैं बेटर करने के लिए एग्जाम में। सो इसके लिए आपको क्या करना है, और सबसे अच्छी बात ये भी है इन स्टडी मटेरियल्स, बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन दिस स्टडी मटेरियल्स, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हैं, जैसे एग्जाम्स पैटर्न्स आता है, MCQ होता है इसमें बहुत सारे, और डिफरेंट टॉपिक्स में डिटेल चीजें दी गई होती, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, तो बच्चों को बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराता है ये, बिल्कुल स्टार्टिंग से। आपको ऐसा नहीं सोचना कि हमने ये तो रीड कर लिया लेकिन पैटर्न कैसा होगा, ये पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही वर्कबुक्स डिज़ाइन की गई हैं। तो आपको क्या करना है, सेम चीज़ जानी है, वेबसाइट पे जाना, ओलंपियाड सेक्शन में आप जाओगे और अपने बच्चे की क्लास को देखोगे और वहाँ से फिर आप वर्कबुक ऑर्डर कर सकते हैं। ये वर्कबुक्स बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में होते हैं, और सबसे अच्छी बात होती है आपको हंटिंग नहीं करनी है, कौन सा लूँ क्या नहीं लूँ, ये सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा और ये सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया गया है। सो दिस इज़ वेरी नाइस एंड आई पर्सनली रिकमेंड दिस फॉर यू। द थर्ड वन इज़ एज आई ऑलवेज टॉक, जितने भी मेरे प्रीवियस ओलंपियाड्स की सीरीज़ है, जैसे कि ओलंपियाड ऑल अबाउट ओलंपियाड्स, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा मैं हमेशा फोकस करती हूँ इस थर्ड पॉइंट पे, जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इवन गवर्नमेंट एग्जाम्स की जब आप तैयारी करते हैं, तो आपका टारगेट रहता है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर लगाने हैं। तो लास्ट थ्री ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको सेम यही इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की वेबसाइट से मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वेबसाइट वन स्टॉप सोल्यूशन है आप सबका। मैंने ये सब मैं आपसे इसलिए शेयर करती हूँ बिकॉज मेरा जो बेटा है वो जनरली, मतलब फ्रॉम लास्ट वन ईयर ही इज़ पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट ओलंपियाड्स, और इसीलिए मैंने ये न्यू सीरीज स्टार्ट की थी ऑल अबाउट ओलंपियाड्स, जहाँ मैं बाकी पेरेंट्स को भी इन सब चीज़ों के बारे में शेयर कर सकूँ इन्फॉर्मेशन। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत स्ट्रगल, बहुत कुछ सर्च करना पड़ा था, एंड फाइनली जैसे जैसे मैं सीखती गई मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे शेयर करूँ, ताकि जो भी इस वीडियो को देखे आप शेयर ज़रूर किया कीजिए, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो राइट इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहते हैं और उन्हें नहीं मिल। तो आपको क्या करना है, इनकी वेबसाइट पे आपको बहुत ही अच्छे से हर एक साल के टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे, जैसे साइंस का मिल जाएगा, मैथ्स का भी मिल जाएगा, आप वहाँ जाके अवेल कर सकते हो, और बहुत ही नॉमिनल रेट्स में मिल जाएंगे। बिकॉज जनरली जब हम ओलंपियाड्स के क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो नहीं मिल पाता है, बहुत ही ज़्यादा हंट करना पड़ता है। सो दिस इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। इससे क्या होगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हो तो आपको सबसे अच्छे से पता चल जाता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कौन सी चीज़ आपकी बहुत स्ट्रांग है, कौन सी चीज़ पे आपको वर्क करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी। बिकॉज ये जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं ये टॉपिक वाइज तो होते ही हैं, इसमें OMR शीट, प्रैक्टिस शीट्स भी आपको दी जाती है, तो जब प्रैक्टिस करते रहते हो तो उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में कि हाँ जी मुझे एक घंटे में या मुझे आधे घंटे में ये फिनिश करना होता है, जैसे भी एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, तो ये आपको बहुत ही अच्छा अप्रोच देता है। और आप जब कंपटीशन में बैठते हो तो ऑब्वियसली यू विल ऑलवेज स्टे अहेड विद अदर स्टूडेंट्स और अदर किड्स। द फोर्थ पॉइंट इज मैनेजिंग योर टाइम। नाउ द स्कूल्स आर गोइंग टू रीओपन। अभी तक तो ऑफलाइन मोड भी चल रहा है, ऑनलाइन मोड भी चल रहा है, हाइब्रिड मोड है एग्जैक्टली, लेकिन जब स्कूल्स ओपन हो जाएंगे तो आपको अपना टाइम प्लान करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्पेशली एज अ स्टूडेंट। द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टेइंग फोकस ऑल द टाइम। बिकॉज जब आप एक चीज़ की प्रिपरेशन करते हो तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि डिस्ट्रैक्शन होते रहता है, तो फोकस्ड रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बस यार अब पढ़ना नहीं है, तो उस टाइम जस्ट टेक अ ब्रेक और उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए असाइड कर सकते हैं और किसी और चीज़ पर फोकस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो भी आपको पसंद होता है। आई ऑलवेज से दैट जस्ट कीप इट असाइड फॉर सम टाइम एंड डू वॉट एवर यू लाइक टू एंजॉय, लाइक गो आउटसाइड, प्ले विद फ्रेंड्स, इंगेज विद एक्टिविटीज दैट यू लव, एंड देन अगेन गेट बैक टू द ट्रैक। तो ये आपकी एफिशिएंसीज को और ज़्यादा बढ़ाएगा, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा, रैदर देन आपको उसी लूप होल में, जब आप सपोज अंदर कुछ जा नहीं रहा दिमाग में बट प्रेशर है कि पढ़ना है, तो ऑब्वियसली आप वही चीज़ रिपीटेडली करते जाओगे और उसका कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं।
बेटर देन दैट टेक अ ब्रेक एंड देन फिर से फ्रेश स्टार्ट कीजिए. सो दिस आर ऑल द इम्पॉर्टेंट टिप्स और ऑब्वियसली इससे आपको बहुत ही प्रॉपर एंड फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे. डू नॉट फॉरगेट टू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है. दिस इज ऑल फॉर टुडे और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए आइडियाज़, कुछ नए एंटरटेनमेंट के साथ. तब तक बाय बाय, टेक केयर.